तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाएं? भाई आप दिखाइए ना, जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल दिया। निकाल दी? हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा हाँ, सवाल पूछ लिया। अगर बाबा में शक्तियां हैं, वो चमत्कार दिखा सकता है, तो मुझे लाइव चमत्कार करके दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। ये सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ ने कानपुर के बाबा करोली से पूछ लिया और फिर डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अभी सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कानपुर के बाबा करोली पर एक डॉक्टर को पिटवाने का आरोप लगा है। दरअसल मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता और पत्नी के साथ कानपुर में करोली बाबा के दरबार में पहुंचे थे। करोली बाबा ये चमत्कार करने का दावा करते हैं कि वो बिना किसी व्यक्ति को छुए, बिना किसी व्यक्ति से कोई दवाई दिए उसका इलाज कर देते हैं, भूत भगाते हैं, किसी की सर्जरी होनी है तो हवा में ही सर्जरी कर देते हैं, किसी की हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा देते हैं। इस तरह के तमाम वो दावे चमत्कार करते रहे। डॉक्टर सिद्धार्थ का कहना है कि वो भी अपने परिवार के साथ वहां गए थे देखने के लिए। दरबार में जाने के लिए 2600 रुपए की पर्ची कटवाई और जब नंबर आया तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे भी आप अपना कोई लाइव चमत्कार दिखा दीजिए। आप दावा करते हैं कि आप शरीर से भूत भगा देते हैं, आत्मा भगा देते हैं, मुझे भी आप कोई चमत्कार करने का आप कोई प्रमाण दे दीजिए। सुनिए डॉक्टर सिद्धार्थ ने क्या कहा और उसके जवाब में कैसे करोली बाबा ने उनको एक परेशान करने की बातें कही हैं, वो भी सुनिए। गुरु जी नमस्कार। जी खुश रहिए। और मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा। मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर, तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं, तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है, यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना। तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए, और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही, मतलब सबके साथ होता ही है बिल्कुल, क्योंकि सब महादेव के बच्चे हैं, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। बिल्कुल सब अच्छा होना। अब अच्छा, आप लोग अच्छे हैं ही, समझ रहे हैं जी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे होना थोड़ा जो रह गया वो बाकी वो भी अच्छा हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, कुछ मित्रों ने मेरे ये बताया और भाई ने ये बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना है, आत्मा तो नहीं घुस गई है। तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है, उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना, जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भाई आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल दी। हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी निकली, पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे। मामला यही नहीं रुका कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने थैंक यू कर दिया कि ठीक है बाबा आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें करोली बाबा और उसके जो समर्थक हैं, बाउंसर्स हैं, वो डॉक्टर सिद्धार्थ को घसीटते हुए ले जा रहे हैं और उसके बाद उनके साथ मारपीट करने का भी गंभीर आरोप लगा है। वायरल वीडियो में देखिए कि कैसे डॉक्टर सिद्धार्थ को घसीटते हुए ले जाया गया। अभी तुम्हारी वजह से बच्ची की वजह दो मिनट पकड़े। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर सिद्धार्थ को बार बार ये कह रहे हैं कि आपने गार्ड को आप संभाल लीजिए, लेकिन करोली बाबा
बार बार उन्हें पगलेट कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी 2 मिनट में तबीयत ठीक हो जाएगी, और उसके बाद वो अपने जो उनके वहाँ पर मौजूद लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके गार्ड्स हैं, उनको वो कहते हैं कि इसको बाहर कर दो यहाँ से, और उसको वो घसीटते हुए ले जाते हैं। और उसके बाद जो डॉक्टर सिद्धार्थ हैं उनका कहना है कि उन्होंने उनको एक बंद कमरे में ले जाकर बुरी तरह से पीटा, उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, लाठी डंडों से पीटा, उनके सिर में काफ़ी चोट आई है, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वो काफ़ी गंभीर भी हो गए। उनके माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे, पत्नी गिड़गिड़ाती रही कि आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला है। किसी तरह वो लोग बचकर आए और फिर अस्पताल में डॉक्टर सिद्धार्थ का इलाज कराया। ये मामला दरअसल 22 फरवरी का है, ये अभी का मामला नहीं है, यानी करीब महीने भर पहले का ये मामला हुआ था, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ ही इस पूरी वारदात के कुछ कुछ साक्ष्य जरूर मिल रहे हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ 22 फरवरी को वहाँ गए थे और जो FIR उन्होंने पुलिस को भेजी है, जो शिकायत है, उस शिकायत पत्र में उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं कि दरअसल मैं बाबा के चमत्कार के बारे में सुन के और अपने परिवार वालों के साथ वहाँ पर गया था। उन्होंने कोशिश की कि बाबा के साथ वो जाएं, लेकिन वहाँ पर टिकट लगती है तो 2600 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ी, और जब नंबर आया तो उन्होंने उनको ये पूछ लिया कि बाबा आप इतना चमत्कार कर रहे हैं तो आप हमको भी कोई चमत्कार करके दिखा दीजिए। और बहुत ही मतलब एक बुनियादी सा सवाल है, जो बाबा अपने चमत्कार के दम पर किसी के साथ अपना कहें कि अपने आप को बड़ा या अपनी शक्तिशाली अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे अगर कोई उसका प्रमाण मांग लेता है तो भला इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, अगर आपके पास में ये तंत्र मंत्र की विद्या है, अगर आपके पास में कुछ भी ठीक कर देने की आपके पास शक्तियाँ हैं, तो फिर अगर कोई आपसे प्रमाण मांगता है तो उसे प्रमाण दे देना चाहिए था। लेकिन प्रमाण क्या मिला वो आप देख लीजिए कि डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, उन्हें काफ़ी परेशान किया गया, बंधक बनाया गया, और इसका सीधा आरोप जो है वो करोली बाबा पर लगा है, जो कि कानपुर के हैं। इस मामले में पुलिस के पास शिकायत की गई है और पुलिस ने कहा है कि भाई इस मामले में अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और करोली बाबा से भी पूछताछ की जा सकती है। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करोली बाबा, जो कुरिया चौकी अंतर्गत थाना विद्युत के आता है, करौली बाबा और उनके समर्थकों के द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की। अब सवाल उठता है कि जो डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ हुआ क्या वो सही है? अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ किसी के दरबार में जाए और सिर्फ इतना सी वो कहे कि हिम्मत कर ले कि बाबा आप मुझे कुछ चमत्कार करके दिखा दीजिए, उसके बदले में उस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, कैसे उसे परेशान किया गया, उसको आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति उनके साथ में हुई है, परिवार कितना परेशान हुआ होगा, वो व्यक्ति कितना परेशान हुआ होगा। और ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत का पैसा, यानी कि पर्ची कटवा के, उसका डोनेशन दे के, प्रसाद चढ़ा के, तमाम तरीके के चढ़ावा चढ़ाने के बाद जाते हैं, और फिर अगर वो बाबा उनसे नाराज़ हो जाए तो किस तरह से उसके गुंडे उसके साथ मारपीट करते हैं। अगर करोली बाबा में शक्ति थी तो उन्होंने वहीं साबित करके दिखा दिया चाहिए था, वहीं उनके शरीर से आत्मा को अलग कर देते, दिखा देते, आप जो कह रहे हैं वो करके दिखा देते, उन्हें गायब कर देते, श्राप दे के आप गधा घोड़ा बना देते, लेकिन आप नहीं कर पाए। इसका सीधा सा जो मतलब है वो यही है कि बाबा पाखंडी है, चमत्कारिक शक्तियाँ उसके पास में नहीं है, और तमाम तरीके के दावे वो करता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें एक महिला उनसे हाइट बढ़ाने की मांग करते हैं और वो हवा में ऐसे ऐसे हाथ हिला के कहता है कि जाओ तुम्हारी 3 इंच हाइट बढ़ गई है, और घूम के और वो कहता है कि मान लो कि हाइट बढ़ गई है, तो वो महिला कहती है हाँ बढ़ गई है। तो इस तरीके से माइंड गेम, किस तरह से मैनिपुलेशन का खेल पाखंड के जरिए किया जा रहा है, ये करोली बाबा एक नया बाबा बाजार में आ गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, इस तरह के तमाम नए नए जो पंडे पुजारी हैं, पाखंडी बाबा हैं, वो समय समय पर मार्केट में आते रहते हैं, जो लोगों की मेहनत की कमाई से पैसा निकालते हैं और अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। एम्पायर खड़ा करते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो ये बाबा है करोली बाबा, इनका जो असल नाम है वो संतोष कुमार भदौरिया है, यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं, और ये 2012 में ही इन्होंने ये आश्रम शुरू किया था। उससे पहले वो किसान नेता थे, किसान यूनियन में शामिल थे और आंदोलन करते थे, फिर 2010 के आसपास केरल गए, फिर उन्होंने दावा किया कि मैंने वहाँ कुछ थेरेपी सीखी है जिससे इंसान को उसकी बीमारियों से मुक्त किया जा सकता है, और फिर इन्होंने 2012 में कानपुर में एक बड़ा करीब 12-14 एकड़ के ज़मीन पर अपना एक एम्पायर खड़ा किया, आश्रम बनाया, तो करोड़पति अरबपति देखते देखते सालों में बाबा बन गया। जो कल तक एक साधारण किसान नेता था वो आज बड़े एम्पायर का एक धनी व्यक्ति बन गया है। तो आपकी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो आप देख सकते हैं।
ठीक है हो गया। हम अपने यहाँ के जिम्मेदार हैं, बाहर जाके पागल आदमी किसी से लड़ेगा भिड़ेगा गाली बकेगा कुछ करेगा पीटेगा एक्सीडेंट करेगा, हम इसके जिम्मेदार हैं। मेरे से घटना जुड़ी हुई ना, मेरे से बताइए मेरे से क्या घटना में क्या दिक्कत हुई है। गुरु जी 400 सीसीटीवी कैमरा यहाँ आश्रम में लगे, बिल्कुल लगे हुए, खुद देखिए तो उसका गेट से बाहर जाते हुए का कोई वीडियो अगर मिल जाए। 14 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है यहाँ पर। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं मजबूर जी जी अब कब का मेरे महीने खान की पीले कर लिया। अब आप बताइए बगल में चौकी है यहाँ थाना है आप वहाँ नहीं गए आपने मेडिकल लेकर आए कोई बात नहीं। आप एकदम 25 दिन बाद एकदम से प्रकट हो रहे हैं और ऐसा प्रकट हो रहे हैं बिल्कुल फटाफट एफ आई आर फटाफट बगैर जांच किए और जल्दी फटाफट चारों सर्कुलेशन बताया गया चारों तरफ मीडियम दे दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ है? उद्देश्य क्या है इतना मीडियम फैलाने का? उद्देश्य दरबार को बदनाम करने। इन पर आरोप भी है कि इन्होंने इन पर बल्कि कहीं कि मर्डर का भी आरोप है, एक इन पर मामला दर्ज हुआ था। उसके अलावा जो आश्रम इन्होंने बनाया उसके लिए ज़मीन कब्जाने का भी आरोप लगा इन पर, जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा था उस समय के वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने इन पर NSA लगाया था। उसके अलावा जो कागजात हैं उसमें भी फेरबदल करने का यानी हेरा फेरी 400 BC का भी आरोप बाबा के ऊपर लगा हुआ है। कानपुर में बड़ा अपना आश्रम बना चुके हैं, बड़ा कारोबार बना चुके हैं और तमाम तरीके के तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ऐसे बाबा जो हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ करते नहीं हैं और विज्ञान को ये बाबा मानते नहीं, सीधा मना कर रहे हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि विज्ञान कुछ नहीं होता। सुनिए ये विज्ञान को लेकर क्या बात बोल रहे हैं वो सुनिए और फिर इनकी जो समझ है उस पर भी आप सवाल निशान लगा सकते हैं। जो वैदिक परंपरा है जो हिंदू धर्म की जो सनातन धर्म की वैदिक परंपरा उसको अपनाता है उससे वो स्वयं अपनी एनर्जी क्रिएट करता है और स्वस्थ होता है। गुरु जी क्या मेडिकल साइंस से आगे ईश्वरीय शक्ति है जिससे आप इलाज कर रहे हैं? मेडिकल साइंस ईश्वर से आगे है क्या? ये ब्रह्मांड विज्ञान ने बनाया तो क्या धरती विज्ञान ने बनाई? चांद तारे सितारे ये सब देख रहे हैं आसपास, ये सब विज्ञान ने बनाया है क्या? आदमी विज्ञान बना दिया है कि विज्ञान ने आदमी बनाया? आदमी बनाया क्या विज्ञान ने? तो मेडी बना दी, भैंस बना दी, घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिए, पेड़ बना दिए, विज्ञान ने बनाए? ये तो बने बताए हैं, पहाड़ पर्वत नदी समुद्र सब बने बनाए हैं, इसमें आदमी क्या बना दिया? आदमी ने नुकसान किया है कि तो ऐसा बाबा जो इस तरह की उलझुल बातें करता है, जो आपको बेवकूफ़ बनाने की बातें करता है, जो आपका सवाल अगर आप पूछते हैं तो आपको पिटवा देता है, ऐसे बाबा के दरबार में भला क्यों जाएं? क्यों अपने घरों की महिलाओं को बुजुर्गों को ऐसे बाबाओं को आश्रम में भेजें, अपनी मेहनत की कमाई वहाँ पर लुटाएं? इस सब से आपको बचना चाहिए और खासकर बहुजन तबके के लोगों को ऐसे पाखंडी बाबाओं से बचने की ज़रूरत है। ये मामला डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि बाबा के पास कोई शक्तियाँ नहीं, सिर्फ पाखंड है, कार्य के नाम पर वो लोगों को ठगते हैं और ये डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो संगीन अपराध है, इसलिए इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके आश्रम पर ताला लगाया जाना चाहिए और इनके खिलाफ जो है कानून सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरी प्रकरण पर इस मामले पर आप क्या सोचते हैं बाबा के बारे में और ये चमत्कार का जो दावा इस पर आप क्या सोचते हैं? आपसे आप अपनी जो कमेंट है जो आपके ओपिनियन है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें अगर आप आर्थिक मदद करेंगे तो ये QR कोड और अकाउंट डिटेल्स की जानकारी आपके पास में है, इनको आप स्कैन कीजिए, डिटेल्स में भेजिए ताकि आपकी मदद से हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता आगे बढ़ाते रहें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप हमारी ताकत हैं और आपको ये मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का जो एक कारवां है वो रुके ना, वो आगे बढ़ता रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।